एनसीएल में ऑपरेटर भर्ती में धांधली की खबरों के बीच भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं और छात्रों की नाराजगी सामने आई और उन्होंने एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अब इस मामले की जांच की जा रही है। सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के गेट पर नाराज युवाओं ने अर्धनग्न होकर घंटों तक प्रदर्शन किया। 29 नवंबर 2020 को एनसीएल में ऑपरेटर्स के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें कथित धांधली के बाद से ही छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा था। छात्रों और युवाओं के बाद भाजपा, कांग्रेस और आप सहित कई नेताओं ने इसमें एनसीएल के अधिकारियों की मिली भगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इधर आरोपों से घिरे एनसीएल प्रबंधन ने बचाव की कवायद शुरू कर दी है। प्रबंधन द्वारा सूचना जारी कर यह कहा गया है कि संदर्भ में प्राप्त सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच हेतु एनसीएल प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ते देख मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम कितना नंबर पाओ। मैं कहा मैं 76 पाया हूँ। कहा कि तुम 76 का पा जाओगे। मैं कहा कि हाँ, मेरा साक्ष कराइए, अगर मैं 70 प्लस नहीं पाता हूँ तो आप क्या बोलते हैं हमारा पेपर और उन लड़कों का कभी आप साक्ष्य देने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का साक्षात्कार कराने से एनसीएल क्यों डर रहा है। एनसीएल अपने द्वारा एक परीक्षा कमेटी बनाई। उस परीक्षा कमेटी के लोगों की सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल जाँच हो जाए तो सीधा के सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनसीएल प्रशासन अपने द्वारा फिर से कमेटी बनाई है जिसकी जांच का रिपोर्ट आएगा कल 12 तारीख को। जब एनसीएल प्रशासन ने लूट खसोट कराई है इसमें चार्ल्स जूस्टर से लेकर जितने भी क्रमिक हैं, जितने भी क्या बोलते हैं परीक्षा कमेटी के लोग हैं, सब के सब मिली भगत। एनसीएल भर्ती घोटाले पर जिस तरह से छात्रों ने आरोप लगाया है ये कोई नई बात नहीं है। एनसीएल प्रबंधन के द्वारा कई बार भर्ती प्रक्रिया में घोटाले किए गए हैं और जो मठाधीश अधिकारी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया के अफसर हैं उनके ऊपर पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं और जांच भी चल रही है। तो यह निश्चित तौर पर बहुत व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया है एनसीएल प्रबंधन द्वारा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।